हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से मैं आपके साथ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जीएसटी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जीएसटी मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज मैं सारे बात करने वाला हूं जीएसटी के बारे में ही, और जीएसटी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और जीएसटी आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सब आप पर डिपेंड करता है। चलते शुरू करते हैं। सब समझते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी एक तरह का गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये आप गुड्स पे भी एप्लीकेबल है या आपके सर्विस पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब हम सर्विस भी दे रहे हैं तब भी हमारा जीएसटी लगेगा, और हम अगर गुड्स दे रहे हैं तब भी हमारा जीएसटी लगेगा। ये आपको क्लियर रखना होगा। अब जीएसटी कब देना है एज ए फ्रीलांसर को? अगर आपका इनकम साल भर से ऊपर, साल भर में आपका इनकम 20 लाख से ऊपर होता है, तब तो आपको जीएसटी लेना ही होगा। आपको जीएसटी लेना होगा, बकायदा आपको जीएसटी आपको अपने पोर्टल पर भी डालना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि अगर आप 20 लाख से आपका ऊपर इनकम हो रहा है आपको जीएसटी देना होगा, ठीक। अगर आपका 20 लाख से ऊपर का इनकम है तो आपको जीएसटी पे करना होगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन अब जिनका 20 लाख से इनकम कम है तो वे क्या जीएसटी लेंगे या नहीं लेंगे? ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जीएसटी मत लो 20 लाख से कम का इनकम है तो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को सोच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, आप मेरा यही ब्रेड एंड बटर है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जीएसटी ले लो, ठीक है। ठीक है, आपका 20 लाख इनकम नहीं है लेकिन आप जीएसटी ले लोगे तो इससे 2-3 फायदे हैं और उससे नुकसान भी है, मैं इस पर बात करूंगा। तो पहला फायदा यह है कि आपका बिजनेस एक ऑथेंटिक हो जाएगा, आप फर्दर आप बिजनेस लोन भी ले सकते हैं और आपका पूरा जो बिजनेस है व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। पहले आप फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, एज वन एंटिटी काम कर रहे हैं, वरना आपके पास कोई टीम है। लेकिन जीएसटी पे होता है कि आपका जब पैसे का फ्लो बढ़ने लगा, आपके पास 20 लाख का इनकम से ऊपर होने लगा, तो फिर आपके पास पैसे का फ्लो आएगा, तो एक तरह का बिजनेस सेटअप कर सकते हो, एक तरह का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो जो फर्दर आपको हेल्प करेगा आपके ब्रांड को बड़ा करने में। ब्रांड बड़ा कब होगा? जब आपके पास जीएसटी होगा, और जीएसटी से फायदा यह होगा कि आप फर्दर आप ई कॉमर्स के लिए, आप एड एजेंसी बनाने के लिए, आप और टूल परचेज करने के लिए आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, किसी तरह का बिजनेस लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन तभी मिलेगा आपको जब आपको जीएसटी होगा, और जीएसटी फाइलिंग भी करना होगा। जीएसटी लेने से नहीं होगा, आपको या तो क्वार्टरली या तो मंथली आपको जीएसटी फाइलिंग करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो आप फोकस कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि हमारा कि आपका इतना इनकम है कि आप 20 लाख से ऊपर का आपका इनकम है और आप हर मंथ जीएसटी फाइलिंग कर सकते हैं, तो आप जीएसटी लीजिए। लेकिन अगर आप छोटी कंपनी है, आप एक दो लोग का एम्प्लॉई है, या फिर आप अकेले काम कर रहे हैं, आप एक सिंपल सोलो एंटरप्रेन्योर है मेरे जैसा, नहीं भी ले सकते हो, आपके ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूं, मैं अकेले काम करते हुए भी मैंने जीएसटी लिया है। अब आते हैं जीएसटी के क्या नुकसान है। देखिये, जीएसटी का नुकसान ये है, आपको एक सीए रखना होगा परमानेंट रूप से जो आपका जीएसटी फाइलिंग करे, चाहे वो मंथली बेसिस पे, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे, और एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ ईयर आपको अपना इनकम टैक्स फाइलिंग करना होगा। तो ये जो आपके लिए एडिशनल बर्डन हो जाएगा एज ए फाइनेंशियल टर्म्स में। आपको कोई ना कोई सीए रखना होगा तो वो पैसे लेगा आपसे। तो आप लगता है कि आप महीने का या फिर साल का कुछ पैसा दे सकते हैं सीए को ये सब चीज मैनेज करने के लिए, अपना आपका अकाउंटिंग, आपका जीएसटी, आपका जीएसटी फाइलिंग, आपका टीडीएस क्लेम, आपका टीसीएस क्लेम, आपका इनकम टैक्स फाइलिंग। मैं शॉर्ट में कहूँ, अगर आप अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो जीएसटी पक्का लीजिए। और अगर आप अभी आप फ्रेशर हो, बिगनर हो, अभी आपने स्टार्ट किया है काम शुरू फ्रीलांसिंग का, तो आप एटलीस्ट 5-6 महीना, साल भर, 2 साल रुक जाओ, आपको लगे कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो आप अपना जीएसटी के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन या फिर आपका जो भी डाउट होगा मैंने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे, कोई डाउट होंगे, तो आप प्लीज मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा। अब जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि मैंने मेरे वीडियो पर बहुत सारे लोग
देखते हैं, व्यूज करते हैं, लेकिन वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स, ताकि इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आपको भी नोटिफाइड हो जाए। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।